एक ग्रहणी राजनीति में नहीं आ सकती है। क्यों मुझे बताएं? जो उसने काम किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, टेक्सटाइल इनिशिएटिव्स के साथ, जहां 15,000 लोगों को नौकरी मिला है, जहां महिलाओं को सम्मान मिला है, वहां जमीनी स्तर पे जो वहिनी सुनेत्रा ताई काम करके आ रही है, उनको हमें समर्थन देना ही चाहिए। और मैंने बहुत कुछ सुना है, मैं सिर्फ एक वाक्य में आपको बोलूंगी मन की बात। हम पूरे देश में आज चर्चा करते हैं कि महिला को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, हाँ या ना? आना चाहिए या नहीं? जो आना चाहिए तो उनके बलबूते, उनके काम के आधार पे। और हम जानते हैं कि सुनेत्रा बहिनी ने जो एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया पे ट्रस्टी है, जिस ढंग से उन्होंने बारामती हाईटेक टेक्सटाइल को लेके 15,000 महिलाओं को योगदान दिया है, वो एक वाइल्ड लाइफ और ग्रीन एक्सपर्ट, ग्रीन वॉरियर अवार्ड भी मिल चुका है उन्हें जमीनी स्तर पे जो काम उन्होंने कहा। अफसोस इस बात की होती है कि वो लोग जो ट्रिपल तलाक को संसद में ट्रिपल तलाक का भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो टिप्पणी करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि एक तरफ लोगों के पास एक ऑप्शन है कि हमारी महिला जो यहाँ से आती है उनको चुने जिन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है, और दूसरी तरफ किसी को जो सिर्फ किसी की बेटी है या जिन्होंने जमीनी स्तर पे कनेक्ट किया या नहीं, ये आप तय कीजिए, क्योंकि आपने एक मौका दिया लेकिन काम किया है हमारे बाहर। और हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से चर्चा हुई है दादा को लेके, दादा इतने लोकप्रिय है पुणे बारामती में, तो उनके ऊपर पिगी बैंक करके जीतना नहीं, अपने काम के आधार पे। और कौन कहता है कि एक महिला और एक पुरुष भागीदार नहीं हो सकते हैं? अंत में मैं जरूर कहूंगी कि इस देश ने जब इटली की बहू को स्वीकार किया है, इटली की बहू को स्वीकार किया है, तो आपके बारामती की बहू को बाहर की बोलना क्या ये आपको शोभा देती है? जब एक महिला शादी करके आती है, सक्रिय रूप से समाज सेवा करती है और काम करती है जमीनी स्तर पे, तो क्या आपको उनको मौका देना चाहिए या नहीं? ये आप सोचिए। और जो आप सही में महिला का सम्मान की बात करते हैं, तो शुरुआत होती है जब मानसिकता बदलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।